आज बनाऊंगी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी, चिकन सैंडविच। ये हेल्दी है, टेस्टी भी है और झटपट तैयार भी हो जाता है। इसके लिए लिया है कैरेट, अखरोट, लहसुन। यहाँ पे 3 के लिए है लेकिन इतना नहीं चाहिए, 2 में हो जाएगा। चिकन ब्रेस्ट, ब्रेड स्लाइस, यहाँ पर है इंग्लिश मस्टर्ड सॉस, मेयोनीज और ड्राई पर्सले। पहले मैंने ये गार्लिक क्लोव्स ले लिया है, इसको एकदम बारीक करके काट लेंगे। जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा है। गार्लिक को एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे क्योंकि जितना फाइन चॉप होगा मुंह में नहीं आएगा, बस इसका फ्लेवर रहेगा। मैंने पहले ही बोला था ये नहीं चाहिए, ये हो गया है। अब मैंने एक गाजर ग्रेट कर लेंगे। जो चिकन ब्रेस्ट है इसको पतला करके स्लाइस कर लेंगे। वो पार्ट कर देते हैं। ऐसे थीन करके कर लिया है। ये ऑलरेडी पतला है, इसको अभी अब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। अब इसमें जो चिकन मैंने स्लाइस करके रखा था वो डाल देंगे। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अभी इस समय फ्लेम एकदम लो पे रखेंगे। दो तीन मिनट के बाद इसको अभी पलट देते हैं। जब इसमें डालते हैं तो ये चिपक जाता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है, तो सूखने के बाद ये आराम से निकल आता है, चिपक के नहीं रहता।
और ऐसे भी चिकन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये देसी चिकन नहीं है, ब्रॉयलर है, मतलब फार्म वाली है। फिर से एक बार फ्लिप कर देंगे। इसको आप 2 मिनट ऐसे ही रखे, इसको उतार लेंगे। चिकन ऑलरेडी नरम हो गया है। चिकन मैंने निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा जो बटर इसमें बचा है, इसमें यह अखरोट तोड़ के रखा है, छोटा छोटा बारीक करके इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, इससे ही नहीं। तो इसमें एक क्रंचीनेस आ जाएगा। अभी इसको निकाल लेते हैं। चिकन को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया, इसका अभी ये धीरे धीरे इसका जो रेशा है ये निकाल लेंगे। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, क्योंकि जो घी डाला था उसमें भी नमक होता है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो तब नमक इसके साथ मिला देंगे। अब मैंने ब्रेड साइज ले लिया, इसका साइड काट देंगे, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही बना सकते हो। ये मैं नहीं फेंकूंगी, ब्रेड क्रम्ब करने में ये काम आता है। घर में ही बना सकते हैं ब्रेड क्रम्ब, बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। मैंने एक बड़ा बोल ले लिया, इसमें डालेंगे श्रेडेड चिकन, ये लहसुन, ग्रेटेड कैरेट, अखरोट, इसको अभी मिक्स कर लेंगे। ये बच्चे को भी बहुत पसंद आता है। अब इसमें डालेंगे मेयोनीज। इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे।
अभी भी इसमें मैंने नमक नहीं डाला, अगर ज़रूरत पड़े तो डालूंगी, क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट रहता है। अब इसमें डालेंगे इंग्लिश मस्टर्ड सॉस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे और पार्सले डालेंगे इसमें, ड्राई पार्सले 1 टीस्पून एनाफ। अब अगर तीखा खाना चाहते हो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हो। इस समय आप सॉल्ट चेक करके देख लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब मैंने ब्रेड ले लिया, इसमें ये स्प्रेड कर देंगे। इसमें अखरोट देने से जो इसका मेयोनीज का स्मूद एक टेक्सचर है, बीच बीच में अखरोट का भी एक क्रंचीनेस आता है, और अखरोट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बन गया है एक, दूसरा भी बना लेते हैं। ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बच्चे बड़े सबको पसंद आता है ये। अब इसको एक शेप दे देते हैं। बन गया है चिकन सैंडविच, बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे और एक नए डिश के साथ। ओके देन, बाय।